21 अक्टूबर 1978 को 20 साल का फेडरिक वैलेंटिक, जो एक ऑस्ट्रेलियन पायलट था, वो मेलबर्न से उड़ान भर रहा था। उड़ान के दौरान वो अचानक ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसने रिपोर्ट किया था कि उसके प्लेन के ठीक ऊपर मेटल से बना एक राउंड शेप का यूएफओ उसी के साथ उड़ रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उसे बताया कि उस रूट पर और कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा है। फिर अचानक ही रहस्यमय तरीके से वो रेडियो सिग्नल कट गया और उस पायलट को फिर वापस कभी नहीं देखा गया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।